गाइस जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फ्री फायर का 17 सबसे रेयर आइटम कौन सा है, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर का 17 सबसे बेस्ट और सबसे रेयर बंडल के बारे में बताने वाला हूँ, जो अभी के समय काफी ज्यादा रेयर है और काफी ज्यादा डिमांडिंग भी है और लोग इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इसमें से कई सारे ऐसे बंडल है जो काफी बार फ्री फायर में रिटर्न आ चुके हैं तो उसका रेयरिटी खत्म हो चुका है, तो उस तरह का बंडल का मैं जिक्र नहीं करूंगा। जितने भी जिक्र करूंगा वो अभी के समय में रेयर है 2022 का, ठीक है। तो फ्री फायर के 2022 का सबसे रेयर बंडल के बारे में बात करने वाला हूं, जो काफी भयंकर होने वाली, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको फ्री फायर 2022 का 17 सबसे रेयर और डिमांडिंग बंडल के बारे में बताते हैं। नंबर 17 गाइस, इस लिस्ट में जो 17 नंबर पे मैंने बंडल रखा है वो है फुटबॉल का ऑल जर्सी, ठीक है। जितने भी जर्सी है फुटबॉल का वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है और डिमांडिंग भी है, ठीक है। हालांकि ये बहुत लोगों के पास है बट ये डिमांडिंग काफ़ी है, क्योंकि ये है ना कोई सा भी बंडल में आपको फिट खा जाएगा और आपको ये प्रो लुक देगा, ठीक है। मतलब आपका जो लुक लगेगा ना देखने में ऐसा लगेगा जैसे आप काफ़ी प्रो बंदा हो, और ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग बंडल है, समझ रहे हो। इतना ज़्यादा डिमांडिंग जर्सी है कि लोग इसको ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पसंद करते कि हाँ मेरे पास कोई अगर जर्सी हो तो वही मैं परमानेंट बना लूँ, क्योंकि उससे जो है काफ़ी अच्छा लुक बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो कोई सा भी मास्क वगैरह पैंट वगैरह कुछ भी आप चूज कर लो, आपका जो है ओपी लुक लगेगा देखने में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक लगेगा देखने में। इसलिए ये जो जर्सी है ना, जितने भी जर्सी है इसको मैंने 17 नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, लोग इसको पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हाँ ये इवेंट आए। जो लोग भी नहीं निकालते हैं वो लोग जरूर चाहते हैं कि हाँ इस तरह का बंडल दोबारा आए। आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक बंडल यहाँ पे सूट कर जाएगा, कितना अच्छा लगता है लुक देखने में। तो ये बंडल बहुत ही ज्यादा रेयर और डिमांडिंग भी है। नंबर 16 गाइस, नंबर 16 पे जो बंडल आती है उस बंडल का नाम है द पावर ऑफ बुया बंडल, ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये इतना खतरनाक लुक लगता है, इसका मास्क आप देख सकते हो यहाँ पे, साथ ही साथ टोपी वगैरह भी देख सकते हो जो कि काफी अच्छा लुक देता है। और ये मैजिक एरो एक इवेंट में आया था जो कि वेब इवेंट था, वो उस समय का आया हुआ था, जो कि आप देख सकते हो इसका मास्क वगैरह पैंट वगैरह हर चीज, और पीछे बैक टाइप का देखो यहाँ पे किस तरह से बुया टाइप का है, और इसका हेयर भी देखो कितना ओपी लग रहा है, ठीक है, आंख भी लाल टाइप का लग रहा है, पैंट भी देखो कितना खतरनाक लग रहा है। तो ये काफी ज्यादा डिमांडिंग बंडल है, काफी ज्यादा खास लगता है देखने में। आप यहाँ पे देख सकते हो ये बंडल मुझे पर्सनली सबसे बेस्ट बंडल लगता है, हालांकि मेरे पास ये बंडल है नहीं वरना परमानेंट में यही बंडल लगता है, लेकिन मुझे जो सबसे पर्सनली सबसे बेस्ट बंडल लगता है वो यही लगता है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। नंबर 15 गाइस, नंबर 15 पे जो बंडल आता है वो है आर्टिक ब्लू का इनक्यूबेटर, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें चार बंडल दिया गया था जो काफी ज्यादा रेयर है, जिसमें सबसे ज्यादा जो रेयर है ना वो आर्टिक ब्लू बंडल है। उसके बाद ये रेड वाला बंडल आप देख सकते हो यहाँ पे, उसके बाद ये सारी बंडल जो कि उसी तरह का लुक है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा रेयर बंडल है इनक्यूबेटर का, आप समझ सकते हो आर्टिक ब्लू बंडल का बहुत ही ज्यादा डिमांड है, और कई सारे लोगों ने इसमें 50-50-60 हज़ार डायमंड वेस्ट किए थे जब दिवाली विश इवेंट आया था इस बंडल को निकालने के लिए, समझ सकते हो कितना रेयर बंडल है। तो ये बंडल बहुत ही ज्यादा रेयर है, और इसका हेयर जो है ना वो काफी अच्छा लगता है, साथ ही साथ मास्क भी काफी अच्छा लगता है, इसलिए ये बंडल काफी ज्यादा रेयर है अभी के समय में, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। नंबर 14 गाइस, नंबर 14 पे जो बंडल आता है इसमें मैंने दो बंडल रखा है। सबसे पहला जो रखा है वो है गाइस ये वाला बंडल, आप देख सकते हो ब्रेक डांसर बंडल, और दूसरे नंबर पर आता है जॉम्बी समुराई, ठीक है। हालांकि ये जो है ना 2 या 3 बार रिटर्न आ चुकी है, इसलिए मैंने इसको इतने नंबर पर रखा है, वरना पहले ये बहुत ही ज्यादा रेयर हुआ करता था दोनों बंडल, लेकिन अभी के समय ये इसका रेयरिटी थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि बहुत बार रिटर्न आ चुका है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये ब्रेक डांसर बंडल बहुत ही ज्यादा ओपी लुक लगता है, साथ ही साथ यहाँ पे आप जॉम्बी समुराई का बंडल देख सकते हो जो हाल ही में एक इवेंट में आया हुआ था, इसलिए इसका रेयरिटी थोड़ा सा कम हो गया, इसलिए मैंने इसको इतने नंबर पर रखा है, ठीक है। लेकिन ये दो बंडल अभी भी रेयर है और काफी ज्यादा डिमांडिंग है, और लोगों के पास अगर डायमंड होता तो सारे लोग इसको जरूर निकालते, तो ये बंडल दोनों काफी ज्यादा डिमांडिंग है और अभी भी लोग पसंद करते हैं। नंबर 13 गाइस, नंबर 13 पे जो बंडल आता है वो है ब्लैक डॉक्टर बंडल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हमें जॉम्बी बैजेस के द्वारा कलेक्ट करना होता था, मतलब एक्सचेंज करना होता था, उसमें जॉम्बी एक मोड आता था उसको खेल के बैजेस कलेक्ट करना होता था, और उसके द्वारा ये बंडल मिलता था जो कि आप देख सकते हो। और कोई भी बंडल अगर ये पहन के आ जाएगा तो समझ जाना वो बहुत ही पुराना बंदा है, 3 या 4 साल
पहले से वो खेल रहा है, ठीक है। तो ये बंडल आप देख सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर बंडल है और काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग भी है, लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं, ठीक है। जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो इस बंडल का लुक आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, जिसमें कि मास्क वगैरह जो है ना ये काफ़ी अच्छा लुक लगता है देखने में, ऐसा लगता है जैसे कोई एलियन आया हो, ठीक है। और बहुत ही पुराना बंडल है इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, उस समय का बहुत ही ज़्यादा यूनिक बंडल भी हुआ करता था। नंबर 12 पे जो बंडल आता है वो है मनी हाइस्ट प्लान बरबुडा वाला बंडल, ये वाला आप देख सकते हो, ठीक है। जो कि रेड क्रिमिनल का ये भाई लगता है, मतलब सस्ता रेड क्रिमिनल भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बंडल भी काफी ज्यादा अच्छा लुक देता है, बस क्रिमिनल बंडल का जिस तरह से रेड है ना उसी तरह से बिल्कुल रेड है और उसी तरह से फुल बंडल है, ठीक है। बल्कि रेड क्रिमिनल जैसा मास्क बस डिफरेंस है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये बंडल काफी ज्यादा डिमांडिंग है क्योंकि बिल्कुल उसी तरह का लुक लगता है देखने में और अज्जू भाई इसको काफी ज्यादा पहनते हैं, ठीक है। इसलिए ये बंडल भी काफी ज्यादा रेयर है और लोग इसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि रेड क्रिमिनल जैसा लगता है, ठीक है। तो ये बंडल काफी ज्यादा डिमांडिंग भी है और रेयर भी। नंबर 11 पे जो बंडल आता है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल शॉक बंडल, ठीक है। जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये बंडल, और ये बंडल काफी ज्यादा रेयर है और इसका जो रेयरिटी का कारण है कि इसका हेयर जो है ना ये एसके सब्बीर बॉस लगाता था हेयर, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है। लोग इस बंडल को और इस हेयर को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो इलेक्ट्रिकल शॉक बंडल ये है, ये बहुत पहले आया था और लोग इसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो बंडल है ना ये काफी ज्यादा रेयर है क्योंकि इसका हेयर काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं। नंबर 10 पे जो बंडल आता है उस बंडल का नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका नाम है पर्पल शेड बंडल, और इस बंडल का रेयरिटी के कारण है इसका हेयर, जो कि राइस्टार जैसे बड़े बड़े लोग बड़े बड़े यूट्यूबर इस हेयर को यूज करते हैं क्योंकि ये जो ना काफी अच्छा लुक देता है, इसलिए ये काफी ज्यादा रेयर बन गया क्योंकि राइस्टार ने इस बाल को काफी ज्यादा फेमस कर दिया, इस हेयर स्टाइल को काफी ज्यादा फेमस कर दिया। जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो इस बंडल का लुक आपको कुछ इस तरह से लगेगा, हालांकि बंडल उतना ज्यादा फेमस नहीं है लेकिन इसका हेयर जो है वो काफी ज्यादा रेयर है, जो कि इसी बंडल में मिला था, जो कि नाम है पर्पल शेड बंडल, ठीक है। तो ये बंडल काफी ज्यादा रेयर है और काफी ज्यादा डिमांडिंग भी है। नंबर 9 पे जो बंडल आता है उस बंडल का नाम है डेविल हंटर बंडल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस बंडल का लुक यहाँ पे कुछ इस तरह से लगता है, जो कि बहुत ही पहले कोई एक इवेंट में आया था, जो कि आप देख सकते हो इस इवेंट में, ठीक है। और इस बंडल का लुक आप देख सकते हो, इसका हेयर वगैरह जो है ना, जो ऊपर का मास्क वगैरह वो काफी अच्छा लुक देता है और बंडल काफी ज्यादा अच्छा सूट करता है, ऐसा लगता है जैसे कोई बॉलीवुड हीरो है, बॉलीवुड जो विलन होता है ना उस तरह का कॉस्ट्यूम है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा रेयर है क्योंकि ये काफी ज्यादा पुराना है, लोग काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं, डिमांडिंग भी काफी ज्यादा है और उसी के बदले में उसी जैसा है डिमांडिंग के और रेयर के वजह से उसी तरह से एक बंडल निकाल दिया था, जो कि आप देख सकते हो ग्लेशियर डेविल हंटर बंडल करके है, जो कि बिल्कुल उसी तरह से है, बस कलर को चेंज कर दिया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग था, इसीलिए इसको जो है कलर इसका चेंज कर दिया, जो कि कुछ इस तरह से लगता है। तो ये बंडल काफी ज्यादा रेयर है। नंबर 8 पे जो बंडल आती है उसका नाम है मोल व्हाइट वॉकर बंडल, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक जो है ना मिस्ट्री शॉप में आया हुआ था बहुत ही समय पहले और इतना खतरनाक बंडल लगता है देखने, और उस समय के लिए काफी ज्यादा क्रेज हो गया था इस बंडल को निकालने के लिए, और उस समय हर कोई बंदा चाहता था कि ये बंडल निकाले क्योंकि काफी ज्यादा खतरनाक लुक लग रहा है देखने में। आप यहाँ पे देख सकते हो हॉलीवुड का जो विलन होता है ना बिल्कुल आपको उसी तरह का लुक लगेगा देखने में, और ये काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। और इसका मास्क जो है ना ये मास्क देख सकते हो काफी ज्यादा डरावना मास्क है, तो इसी की वजह से ये काफी ज्यादा रेयर है और ये काफी ज्यादा कम बंदों के पास है, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं और चाहते हैं कि ये दोबारा हमारे गेम में आए। तो इस बंडल का आप लुक यहाँ पे देख सकते हो, जिसका नाम क्रिस्टल जायड बंडल भी है और मोल व्हाइट वॉकर बंडल भी है, ठीक है। दो नाम है इस बंडल का, जो कि आपको कुछ इस तरह से लगेगा देखने में, जो कि काफी ज्यादा रेयर है और अभी के समय काफी ज्यादा डिमांडिंग भी है। नंबर 7 पे जो रेयर बंडल आता है वो है स्कल हंटर बंडल, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा रेयर बंडल है, आप समझ सकते हो ये एक इवो बंडल है जिसमें आपको किल करने से बंडल का लुक चेंज होता है, ठीक है गाइस। आप जितना भी किल करोगे ना उसके हिसाब से यहाँ पे इस बंडल का लुक चेंज होता है, इसलिए ये बंडल बहुत ही ज्यादा खास है। और इस बंडल आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये थर्ड लेवल का बंडल है, जो कुछ आपको इस तरह से लगेगा देखने में, और ये बहुत ही कम बंदों के पास है, जो कि एक लक रॉयल में आया था, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये वाले इवेंट में, जिसमें फर्स्ट लेवल का बंडल आपको कुछ इस तरह से, सेकंड लेवल का इस तरह से, और थर्ड लेवल का बंडल आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप किल करोगे उस तरह से बंडल का लुक कुछ इस तरह
वजह से चेंज होते रहेगा, इसलिए बंडल बहुत ही ज्यादा रेयर है। नंबर सिक्स गाइस, नंबर सिक्स पे जो बंडल आता है वो है व्हाइट शैडो बंडल, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कि हैकर स्टोर में आया था बहुत ही समय पहले। और ये बंडल बहुत ही ज्यादा ओपी लुक देता है और आपको हर एक बंडल में सूट खा जाएगा, ठीक है। ये इतना अच्छा बंडल है कि राष्ट्र जैसे लोग भी इस बंडल को काफी ज्यादा यूज करते हैं और इसको विंसिंजो बंडल भी कहते हैं, क्योंकि विंसिंजो का ये परमानेंट बंडल है जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। और ये ना बहुत ही बंडल में सूट खा जाता है और बहुत ही अच्छा लुक देता है, इसलिए ये बंडल काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि विंसिंजो और राष्ट्र जैसे लोग इस बंडल को काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो ये बंडल काफी ज्यादा रेयर है अभी के समय और लोग चाहते हैं कि ये हमारे कोई सा इवेंट में आए। नंबर फाइव गाइस, नंबर फाइव पे जो बंडल आता है वो है B2K बंडल, यानी कि सीजन 7 का इलाइट पास का बंडल, ठीक है। ये बंडल इतना ज्यादा रेयर है और कभी भी ये वापस नहीं आया है, ठीक है, कोई सा भी इवेंट में। इसको आपको पता ही है कि इलाइट पास का बंडल बस एक ही बार अल्टीमेट रिक्रूट में आया था, जिसमें ये बंडल नहीं दिया गया था, यानी कि ये बंडल इतना ज्यादा रेयर है और ये काफी प्रो वाला लुक देता है। इसका टोपी वगैरह और साथ ही साथ यहाँ पे जो छाती पे लगा रहता है वो काफी अच्छा लुक देता है। तो ये बंडल डिजाइन काफी अच्छा से किया गया था और B2K इसको काफी ज्यादा फेमस कर दिया इस बंडल को, इसलिए ये बंडल काफी ज्यादा लोग पसंद करने लगे और लोग चाहते हैं कि ये बंडल काश हमारे पास होता तो हम एक प्रो जैसा दिखते। नंबर फोर गाइस, नंबर फोर पे जो बंडल आता है ये है बनी बंडल, जो कि एक इवेंट में आया था जिसका नाम था ड्रॉ ये बनी, जिसमें हमें ड्रॉ करना होता था बनी का मास्क जो है ना ऊपर वाला है उसको ड्रॉ करना होता था और उसके बाद हमें ये बंडल बिल्कुल मिल जाता था। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है बनी बंडल का ऊपर वाला हर चीज यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसको फेमस करने का श्रेय जाता है व्हाइट 444 वाइटी को और राइस्टार को, राइस्टार जिसे लोग इस बंडल को परमानेंट रखे हैं, क्योंकि इसका जो हेड है ना खरगोश, ये खरगोश वाला काफी ज्यादा हेड फेमस है, ठीक है, इसलिए ये बंडल काफी ज्यादा रेयर है, बहुत ही रेयर है, क्योंकि व्हाइट 444 राइस्टार जैसे लोग इसको परमानेंट बंडल के तौर पे रखे हैं। नंबर थ्री गाइस, नंबर थ्री पे जो बंडल आता है वो है ऑल डिनो बंडल, ठीक है। फ्री फायर में जितने भी डिनो बंडल है वो काफी ज्यादा रेयर है, जिसमें सबसे पहले ये डिनिम डिनो बंडल आता है जो कि आप देख सकते हो, उसके बाद ये दिवाली डिनो का बंडल आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से लुक लगता है देखने में, जो कि काफी स्काई कलर का है, जो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। तीसरे नंबर पे है बोन फ्रीज डिनो बंडल, जो आपको देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल पिछले वाला जैसा है, लेकिन इसका कलर थोड़ा डीप है, बाकी थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। उसके बाद ये रेनबो डिनो का बंडल आप देख सकते हो यहाँ पे, ये रेनबो डिनो का बंडल आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। उसके बाद ये एंजल डिनो, ठीक है, ये काफी अच्छा लुक देता है और गेम में देख सकते हो कुछ इस तरह से लगता है देखने में, जो काफी अच्छा लुक देता है। बहुत ही सारे डिनो बंडल है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद पिंक डिनो बंडल आप देख सकते हो यहाँ पे, ये उतना अच्छा नहीं लगता है देखने में, लेकिन मेरा काम है आपको दिखाना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे डिनो बंडल है। उसके बाद ये ब्लू डिनो, ये सबसे ज्यादा रेयर है, ठीक है, ब्लू डिनो काफी ज्यादा डिमांडिंग और काफी कम बंदों के पास है। और उसके बाद एक डिनो और आता है जो कि ये वाला आप देख सकते हो, जो कि डायमंड रॉयल में आया था, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है दोनों, लास्ट का दोनों, ठीक है। तो इतना सारा डिनो बंडल रेयर है और लोग चाहते हैं कि एक ना एक डिनो बंडल उसके पास हो, ठीक है। नंबर टू गाइस, नंबर टू पे मैंने टू बंडल रखा है, ठीक है, जो कि सेम उसी तरह से डिमांडिंग और काफी ज्यादा रेयर, जिसमें सबसे पहला है सकुरा बंडल, यानी कि सीजन 1 का बंडल, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस लॉबी में पूरा आपको सीजन 1 का ही बंडल देखने को मिलेगा। तो ये बंडल काफी ज्यादा रेयर है और बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग और बहुत ही कम बंदों के पास है ये, क्योंकि ये सीजन 1 का इलाइट पास का बंडल है। और दूसरा जो बंडल रखा है वो है हिप हॉप, ठीक है, हिप हॉप और सकुरा दोनों ही उसी तरह का डिमांडिंग और काफी ज्यादा रेयर है, आपको पता है, इसलिए इसका नंबरिंग करना गलत होता है, इसलिए इसको जो है ना दोनों एक ही नंबर पे रख दिया है, हिप हॉप और सकुरा। आप यहाँ पे देख सकते हो इस लॉबी में अभी आपको पूरा का पूरा हिप हॉप बंडल ही देखने को मिलेगा, जो काफी अच्छा लुक देता है। तो हिप हॉप और सकुरा बहुत ही ज्यादा रेयर है अभी के समय और बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग भी है। नंबर वन गाइस, नंबर वन पे जो सबसे ज्यादा रेयरेस्ट और सबसे ज्यादा डिमांडिंग और लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला बंडल है वो है क्रिमिनल, ठीक है। फ्री फायर के जितने भी क्रिमिनल है, ग्रीन क्रिमिनल को छोड़ के, वो बंडल काफी ज्यादा रेयर है और काफी ज्यादा डिमांडिंग और सबसे ज्यादा लोग क्रिमिनल को ही पसंद करते हैं, जिसमें से येलो क्रिमिनल सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला है, उसके बाद फिर रेड क्रिमिनल है और फिर ब्लू क्रिमिनल है, फिर पर्पल क्रिमिनल, ठीक है। रेड क्रिमिनल को ज्यादा पसंद किया जाता है, सॉरी, उसके बाद येलो क्रिमिनल को, ठीक है, क्योंकि बेज 99 रेड क्रिमिनल को बहुत ही ज्यादा फेमस कर दिया है और ये क्रिमिनल बंडल बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग बंडल में से एक है, लोग इसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस ये था फ्री फायर का 17 वो रेयर और सबसे डिमांडिंग बंडल जो लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। आप में से कौन सा बंडल आपके पास है कमेंट में जरूर बताना, ये 17 में से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ तक आप वीडियो देखो इसका मतलब आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो यार पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए तो मैं ऐसा ही कंटेंट लाता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो यार एक सब्सक्राइब जरूर करना और एंजॉय आर्मी मेरा सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।